सो हेलो एवरीवन, दिस इज सीए सानिध्य सराफ, योर फ्रेंड, मेंटर एंड कोच। सो कैसे हैं आप? उम्मीद कर रहा हूँ कि आप अच्छे हैं, आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। सो दोस्तों, फेमा का रिविजन वीडियो कल 31 अक्टूबर दिन में 2 बजे फीचर होने वाला है। सबसे पहले आई एम रियली वेरी सॉरी, मुझे पता है कि 30 अक्टूबर का वादा किया था मैंने, 30 अक्टूबर का प्रीमियर सेट हो चुका था, 2 बजे फेमा का वीडियो प्ले होने वाला था और आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया था, बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिया था। 1100 लाइक्स आप लोगों ने दिया था इवन बिफोर द वीडियो स्टार्टेड, राइट? 1100 लाइक्स थे एंड 0 डिसलाइक्स थे। सो आपका जो प्यार था वो बहुत ज़्यादा था, बट बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल ग्लिच यूट्यूब के अंदर वीडियो की प्रोसेसिंग पूरी नहीं हो पाई और जिसकी वजह से 30 अक्टूबर यानी आज वो वीडियो अपलोड नहीं हो पाया। आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट। मुझे भी बहुत बुरा लगता है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर आपको सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज दैट्स अ टेक्निकल ग्लिच, बट होता है कि यार एक स्टूडेंट की एक्सपेक्टेशन होती है। आज हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स लाइव आ गए थे टू सी द फेमा क्लास और अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ टेक्निकल ग्लिच वो फेमा का रिविजन नहीं देख पाए, तो कहीं ना कहीं वो जो एक्सपेक्टेशन है वो हर्ट होती है। एक स्टूडेंट ने मन बना लिया था कि आज के दिन में मैं फेमा रिवाइज करूंगा सर के साथ, लेकिन वो नहीं कर पाया, तो दुख होता है उस बात का। सो दैट इज़ व्हाई आई एम रियली वेरी सॉरी, बट अगेन हर गलतियों से सीखने को मिलता है, तो इस पर्टिकुलर गलती से हमें भी सीखने को मिला कि कहाँ कमी रह गई थी हमारे एंड से और क्यों वो वीडियो अपलोड नहीं हो पाया, क्यों वो वीडियो प्रोसेस नहीं हो पाया। तो कल 31 अक्टूबर को 2 बजे फेमा का रिविजन 2 घंटा साथ में लेंगे। रियली सॉरी फॉर व्हाट हैज हैपेंड टुडे, बट हर एक फेलियर के बाद जो सेकंड टाइम होता है, सेकंड टाइम के अंदर अपने को डबल स्ट्रेंथ से बाउंस बैक करना चाहिए। दिस इज व्हाट आई टीच माय स्टूडेंट्स एज वेल। तो कल अपन डबल स्ट्रेंथ के साथ बाउंस बैक करने वाले हैं। टुमारो 2 PM राइट, वी आर गोइंग टू डू द फेमा रिविजन टुगेदर। 2 बजे सब एक साथ आने वाले हैं। काफ़ी बच्चे ये भी कहते हैं कि सर आप प्रीमियर क्यों कर रहे हो, इंस्टेंट अपलोड कर दो। देखो भाई, लॉजिक बड़ा सिंपल है, मैं इंस्टेंटली अपलोड कर दूंगा ना तो तुम लोग अभी 15 मिनट देखोगे, बाकी वीडियो बाद में देखोगे, मन करा तो वीडियो चला लोगे, आधा घंटा देखोगे, बाकी बाद में देखोगे। लेकिन जब मैं प्रीमियर करता हूँ तो एटलीस्ट 500 to 1000 स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एक साथ आते हैं और डेडिकेशन के साथ चैप्टर को देखते हैं। 2 बजे से 4 बजे तक वो कनेक्टेड रहेंगे, एक साथ चैप्टर को देखेंगे और 2 घंटे के अंदर फेमा रिवाइज करके खत्म करेंगे। तो ये प्रीमियर सिर्फ उन डेडिकेटेड 500,000 स्टूडेंट्स के लिए है, वरना मैं इंस्टेंट अपलोड कर सकता था। दिस प्रीमियर इज फॉर दोज डेडिकेटेड 500 to 1000 स्टूडेंट्स जो आकर डेडिकेटेड मैनर में मेरे साथ 2 घंटे में फेमा रिवाइज करने वाले हैं, राइट? सो दिस प्रीमियर इज फॉर देम। सो कल 2 बजे वीडियो है हमारा। उम्मीद करता हूँ कि वही प्यार वही सपोर्ट आप दोबारा से दें। पिछली बार 1100 लाइक्स थे वीडियो स्टार्ट होने से पहले, उम्मीद करता हूँ आप इस बार 2000 लाइक्स तक उस चीज़ को पहुँचा दें। आपका प्यार, आपका सपोर्ट हमें मोटिवेट करता है। फेमा के रिवीजन के वीडियो के बाद ऑडिट के भी कुछ रिवीजन वीडियोस आने वाले हैं और भी कुछ गुड न्यूज़ आपके लिए आने वाले हैं, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स आने वाले हैं, तो काफ़ी कुछ आने वाला है फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशंस। जस्ट स्टे कनेक्टेड विद मी इन माय यूट्यूब चैनल, इन माय टेलीग्राम चैनल। ऑल द वेरी बेस्ट, लव यू ऑल, टेक केयर। वंस अगेन सॉरी फॉर व्हाट हैज हैपेंड टुडे, बट अगेन विल टॉक टुमारो विद द फेमा रिवीजन एंड मच मोर। ऑल द बेस्ट।